भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज केएल राहुल एशिया कप 2023 के शुरुआती दो मैचों से बाहर हो गए हैं। राहुल पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ होने वाले मुकाबलों में नहीं खेल सकेंगे। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने राहुल के बाहर होने की जानकारी दी। केएल राहुल चोट की वजह से लंबे वक्त तक टीम इंडिया से बाहर रहे, लेकिन फिर उन्हें फिट बताकर एशिया कप के लिए टीम में शामिल किया गया। अब वे शुरुआती दो मैचों में नहीं खेलेंगे। राहुल इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के दौरान चोटिल हुए थे। इसके बाद से वे लगातार मैदान से दूर रहे। राहुल हॉस्पिटल से लौटने के बाद फिट होने के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचे। यहां उन्होंने कमबैक के लिए काफी मेहनत की। इसी बीच भारत ने एशिया कप के लिए टीम घोषित की और राहुल को भी शामिल किया। लेकिन राहुल की फिटनेस पर अभी तक सवाल है। अगर वे फिट होते तो शुरुआती दो मैचों के लिए ड्रॉप नहीं किए जाते। हालांकि कोच द्रविड़ का कहना है कि राहुल ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। आईसीसी की खबर के मुताबिक राहुल टीम इंडिया के साथ श्रीलंका नहीं जाएंगे। वे बैंगलोर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ही रहेंगे और 4 सितंबर को एशिया कप के सुपर 4 मैचों के लिए टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। द्रविड़ ने राहुल को लेकर कहा, उन्होंने काफी अच्छा किया है, उनकी प्रोग्रेस काफी अच्छी है, लेकिन वे शुरुआती दो मैचों में नहीं खेलेंगे। एनसीए में अगले कुछ दिनों तक उनकी देखभाल होगी। बता दें कि टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी चोट की वजह से मैदान से बाहर थे। राहुल के साथ साथ श्रेयस अय्यर भी चोटिल थे, लेकिन वे फिटनेस के सभी मानकों पर खरे उतरे हैं। अय्यर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा भी चोट की वजह से बाहर हुए थे, लेकिन दोनों ने शानदार कमबैक किया है।